नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलंदशहर में दबंगों से तंग आकर एक पीड़ित महिला ने मंगलवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। पीड़ित महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि आरोपी दिनेश शर्मा और मोहम्मद सोएब ने उनके पति से नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए ठग लिए थे और पैसे वापस मांगने पर उक्त दबंगों ने उसके पति दीपेश को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया था। वहीं दोनों आरोपी अभी भी धमकी देते हैं। मामले में एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश थाना पुलिस को दिए। वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिला पत्रकारों से बात करते हुए एसएसपी ऑफिस के बाहर अचानक बेहोश हो गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद होश में लाया गया। सर, मेरे पति से दिनेश शर्मा और सोएब खान ने रिश्वत में मेरी भांजी की नौकरी के लिए 2,75,000 रुपए लिए थे और वो वापस न करने पे मेरे पति ने उनके खिलाफ मुकदमा भी किया। अब वो लोग घर पे आके धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पी पी के आते हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकी करते हैं, मेरे साथ में बदसलूकी करके मेरे साथ कहते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, छोड़ूंगा तुझे, सबके सामने नंगा करके बलात्कार करूंगा। और किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए थे? रेलवे में। रेलवे में कहाँ के हैं दिनेश और सोहिल खान? बुलंदशहर के। बुलंदशहर। आप जब तगादा कर दियो तो क्या कहते हैं वो लोग? सर, वो रुपए देने के लिए राजी नहीं है, समझौता कहते हैं, नहीं तो सर वो मेरे साथ में धमकियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये कहते हैं कि काला मुंह करवा के तेरे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, और ये कहते हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा हमारे। तो इस प्रकरण को लेकर आप अगोता थाना गई थी? जी। तो वहाँ क्या क्या बोला कोतवाल साहब ने? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या क्या बोलते हैं कोतवाल साहब? समझौता करने के लिए बोलते हैं सर। तो आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं, तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपके लिए? सर, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी उसके नाम ये, पर कार्रवाई हुई नहीं है। वो ये कहता है कि हमारी बहुत ऊंचे तक पहुंचे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या दबंग किस्म का आदमी है? हाँ जी सर, मैं और पिस्टल और दिखाता है सर, मेरे साथ में आने लगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी सर, मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में सर अपने आप को जान दे दूंगी, अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला के। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।